अभी हम आ चुके हैं एक न्यू एप्लीकेशन पे जहाँ पर हम लोन को अप्लाई करके आपको बताएंगे। तो इस एप्लीकेशन अबाउट सेक्शन पे मैं आ चुका हूँ जहाँ पर आपको शो करेगा ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड है और यहाँ पर 90 डेज टू 365 डेज तक लोन आपको मिल जाता है और इंटरेस्ट भी यहाँ पर ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करके हमको पता चलेगा ये सब जो कह रहा है एप्लीकेशन वो सही है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ जहाँ पर मुझे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आया हुआ था तो मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर कुछ मुझे परमिशन को अलाउ करना होगा तो मैंने परमिशन को अलाउ कर दिया। जैसे कि परमिशन अलाउ हो चुका है तो मैं आप इंटरफेस पे आ चुका हूँ जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ था ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर पहले मुझे साइन अप करना होगा जिसके वजह से यहाँ पर मुझे, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया और OTP पर क्लिक किया तो इंस्टेंटली यहाँ पर मुझे OTP भी आ चुका है। जो भी OTP यहाँ पर आया हुआ है तो OTP को मैं यहाँ पर डाल दूंगा और नीचे मुझे वेरीफाई का ऑप्शन शो कर रहा है तो वेरीफाई पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हैं वो OTP को मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर वेरीफाई कर चुका हूँ। तो फाइनली यहाँ पर एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे मैं आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे शो कर रहा है KYC करना है, पर्सनल डिटेल को फिल करना है और मुझे लोन ऑफर यहाँ पर मिल जाएगा। तो नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गेट कैश पर, जहाँ पर आपको क्लिक करके आपका KYC करना है पहले, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। फाइनली अभी हमें गेट कैश का ऑप्शन आ चुका है जहाँ पर अभी मैं क्लिक कर चुका हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे मेरा ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा तो मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मेरा यहाँ पर जीमेल ऑप्शन ओपन हो चुका था, मैंने मेरा जीमेल को सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर मुझे मेरा नेम चूज करना पड़ेगा जो नेम मेरा पैन कार्ड में अवेलेबल है। नीचे मुझे ईमेल आईडी भी शो कर रहा है, अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप पे मुझे यहाँ पर पैन कार्ड डिटेल को डाल देना है। डिटेल डालने के बाद आप देख सकते हैं पैन कार्ड नंबर, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेरा शो कर रहा है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरा सही है तो यहाँ पर मैं येस पर क्लिक करूँगा। तो मैंने येस पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर मुझे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर मुझे दो ऑप्शन दिया गया है, एक है आधार OTP और दूसरा है DigiLocker के साथ। तो मैं यहाँ आधार OTP चूज कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकमेंडेड है और यहाँ पर इजी होता है OTP के साथ वेरीफाई करने में। तो नंबर मैंने डाल दिया था, OTP भी आ चुका है तो यहाँ पर मैंने OTP फिल कर दिया और नेक्स्ट पर क्लिक किया। तो देख सकते हैं इंस्टेंटली यहाँ पर मेरा आधार वेरीफाई हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं लोन पर्पोज को आपको चूज करना है, आप यहाँ पर किसी को भी चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अदर पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको उसके बाद लोन अमाउंट डालना है, आपको यहाँ पर कितना लोन चाहिए यहाँ पर अमाउंट आप डाल देंगे। तो आपको जितना चाहिए आप डाल दीजिए, मुझे भी यहाँ पर जितना चाहिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर 3000 डाल के नेक्स्ट पर क्लिक किया तो देखते हैं मुझे ये लोन मिलता है कि नहीं। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जेंडर चूज करना होगा, इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, सिंगल हो या मैरिड। तो यहाँ पर एजुकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, एजुकेशन चूज करने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल चूज करना है। तो यहाँ पे सैलरी चूज कर चुका हूँ और पेमेंट यहाँ पर मैं बैंक में रिसीव कर रहा हूँ तो बैंक चूज कर लिया। यहाँ पर जो भी कंपनी पे आप काम करते हैं कंपनी का नेम यहाँ पर डालेंगे। अगर आप कोई भी कंपनी में काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, आपके नेम भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल का नेम भी डाल दिया। तो यहाँ पर डालने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इंडस्ट्री आ चुका है, कौन सी इंडस्ट्री में ये जाता है। तो ये मेरा इसमें से कोई भी इंडस्ट्री में ये चैनल नहीं जाता है तो यहाँ पर मैं अदर पर चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मंथली इनकम का ऑप्शन आ जाएगा तो मैं यहाँ पर जितना भी मैं कमाता हूँ यहाँ पर डाल दूंगा, ये ऐसे ही मैंने डाल दिया है। आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होता है। तो सारी चीज़ यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर मंथली जो सैलरी आते हैं डेट में उसको चूज करना है और यहाँ पर रेसिडेंट स्टेटस ओन चूज कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये फेच कर लेगा आपका एड्रेस को, अगर ये एड्रेस सही है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगर आपको सही नहीं लगता है तो यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा सारी डिटेल ठीक था तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। तो देखते हैं मुझे यहाँ पर कितना लिमिट मिलता है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ लिमिट का मेरा, तो आपके सामने अभी आ जाएगा मुझे कितना लिमिट मिला है। तो देख सकते हैं आपके सामने मेरा लिमिट 4000 मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर कोई भी पेमेंट प्रूफ मुझे नहीं देना पड़ा,
इंस्टेंटली ये लिमिट मुझे मिल चुका है, तो इसको मैं बैंक में ट्रांसफर ही कर सकता हूँ। अगर आपको भी यहाँ से लोन लेना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर से क्लिक करके आप आसानी से यहाँ पर से लोन ले सकते हैं बिना इनकम प्रूफ के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।